हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रियलिटी ऑफ माय लाइफ में। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार बनाना फ्लावर की एक और नया रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही सिंपल, इजी और खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत ही चटपटी होता है खाने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। देखो इसे अच्छे से उबाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ वो अच्छे से उबल जाए और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी क्योंकि इसे काला पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मैं अभी अच्छे से उबाल लेती हूँ। बनाना फ्लावर यह है, इसको बंगाली में मोचा बोलते हैं। उसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। उसको अभी मैं छोटा छोटा करके काटूंगी और उसके साथ जो मसाला मैं यूज़ करूँगी ये देखिए, ये है हरी मिर्च, रेड और ग्रीन दिया है हरी मिर्च, ये है अदरक और ये है सूखी लाल मिर्च, को भी मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला लिया है और इसमें इसको काटने के बाद उसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक मिक्स कर दूंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और ये जो मसाला लिया है सब डाल देती हूँ एक साथ। डालूंगी चावल का पाउडर, बेसन है तो बेसन भी डाल सकते हो, मैं चावल का पाउडर डाल रही हूँ। इसे ऐसे ही शैलो फ्राई किया जा सकता है या फिर बेसन का घोल बना करके उसमें डिप करके उसे भी फ्राई किया जा सकता है, डीप ऑयल में फ्राई कर सकते हो। शैलो फ्राई में करने से वो कुरकुरापन आता है, अच्छा लगता है खाने में, तो मैंने इसे इस तरह बना लिया है। बनाना फ्लावर की क्रिस्पी बड़ा या फिर टिक्की वो मैंने बना लिया है और इसे आप एज ए सिंपली ऐसे खा सकते हो एज ए स्नैक्स इवनिंग के टाइम, या फिर आप इसे चाट के साथ भी खा सकते हो। मटर की घुगनी जो होता है उसके साथ आप प्याज टमाटर ये सब डाल के और इसके साथ ये टिक्कियाँ मिक्स करके भी खा सकते हो। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स करके बहुत ही चटपटी और डिलीशियस लगता है खाने में। और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ये रेसिपी कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद आप सबको आज का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।